हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहां पर बोवी हाई को किस करता है और कहता है फर्स्ट किस, और इतना कहकर बोवी यहाँ पर स्माइल देता है, हाई बोवी की तरफ देखता है। हाय कहता है, जॉनी मुझे दिखाने दो कि प्रॉपर किस कैसे करते हैं, और इतना कहकर यहाँ पर हाई बॉय को कंटिन्यूसली किस करने लगता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हुए डाइनिंग टेबल से लेकर किचन प्लेटफॉर्म तक चले जाते हैं, जहाँ पर हाई बॉय को किचन प्लेटफॉर्म पर बैठाता है और यहाँ पर उनका अनस्टॉपेबल किसिंग सीन दिखाते हैं। बॉय हाय को किस करते हुए हाय की शर्ट उतारता है और यहाँ पर हाई बॉय को कंटिन्यूसली किस करने लगता है, और तभी हाई किस करते हुए बॉय की पैंट की तरफ अपना हाथ करता है। इस पर बॉय डरने लगता है, यहाँ पर बॉय काफ़ी डर जाता है। इस पर हाई कहता है, तुम डरो मत, और यहाँ पर बॉय अपनी आंखें बंद करता है। हाई बॉय को फिर से किस करने लगता है और यहाँ फिर से हाई बॉय की पैंट की तरफ अपना हाथ करता है। हाई बॉय की पैंट को उतारने चाहता है, तभी बॉय उसे रोकता है और घबराते हुए कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इस पर हाई भी काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और कहता है, मेरा भी किसी मैन के साथ ये फर्स्ट टाइम है, मेरे साथ भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है। हाई समझ जाता है कि बॉय यहाँ पर डर रहा है और बॉय यहाँ पर शायद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, और हाई यहाँ पर बॉय को शर्ट से कवर कर देता है और कहता है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं अपने रूम में जाता हूँ। और इतना कहकर हाई वहाँ से घबराते हुए चला जाता है, और हाई के जाने के बाद यहाँ पर बॉय काफ़ी हैप्पी दिखाई देता है। बॉय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है हाई से किसेस मिलने के बाद, और हाई की यहाँ पर बॉय की केयरिंग को देखकर बॉय काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। फिर सीन दिखाते हैं नाइट का, लियांग के घर का, जहाँ पर लियांग अपने लिन के साथ डिनर करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है, लियांग लिन को देखता है और लिन को घर के अंदर आने के लिए कहता है। लियांग लिन को देख काफ़ी हैप्पी हो जाता है। लिन कहता है, मिस्टर लियांग मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको आज क्या दूं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपके लिए केक लेकर आया हूं। हैप्पी बर्थडे, ये सुनकर लियांग हैप्पी होता है और कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट लाया है, चलो हम अंदर चलकर बैठते हैं। लिन घर के अंदर आता है, लियांग कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। इस पर लिन कहता है, मैनेजर कहाँ है, मुझे लगा कि आपने उन्हें भी इनवाइट किया होगा। इस पर लियांग कहता है, टॉनी तुम टॉनी की बात कर रहे हो, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है। इस पर लिन कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना सही होगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और इतना कहकर लिन वहाँ से जाने लगता है। लियांग लिन को जाते हुए देखता है और वो लिन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, लिन प्लीज़ मत जाओ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम डांटा, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। ये सुनकर लिन सैड होते हुए कहता है, मैं भी आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। लियांग कहता है, तुम मेरे साथ रहो, यही मेरी बर्थडे विश है। ये सुनकर लिन अपने मन में कहता है, हमारे ब्रेकअप से पहले की ये हमारी लास्ट ब्यूटीफुल मेमोरी होगी, और ये बात सोचकर यहाँ पर लिन हाँ बोलता है, और यहाँ पर लियांग लिन के हाँ बोलने से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन लियांग के लिए वाइन सर्व करता है। लिन कहता है, मैं पहले आपको चीयर्स करता हूँ, हैप्पी बर्थडे। इस पर लियांग कहता है, थैंक यू लिन, और यहाँ पर लिन चीयर्स करता है और ड्रिंक करता है। लियांग भी यहाँ ड्रिंक करता है, लिन फिर से वाइन सर्व करता है। ये देखकर लियांग थोड़ा शॉक हो जाता है कि लिन इतनी शराब क्यों पी रहा है। लिन कहता है, और मैं आपको फिर से चीयर्स करता हूँ, थैंक यू सो मच आपकी मेरे साथ हमेशा नाइस बने रहने के लिए, और यहाँ पर लिन फिर से ड्रिंक करता है। लिन काफ़ी तेज़ी से ड्रिंक करता है। इस पर लियांग कहता है, लिन तुम स्लो ड्रिंक करो। लिन कहता है, नहीं, और इतना कहकर लिन फिर से लियांग के ग्लास में वाइन डालता है। इस पर लियांग कहता है, ये तीसरी ड्रिंक हमारे लिए। ये सुनकर यहाँ पर लिन सोचने लगता है और वो सैड हो जाता है, और यहाँ पर लिन सैड होकर ड्रिंक करने लगता है, और यहाँ पर लिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। फिर लिन लियांग को केक देता है और कहता है, मिस्टर लियांग क्या आप कोई विश मांगना चाहेंगे। ये सुनकर लियांग यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, लियांग कहता है, अगर मैंने विश मांगी तो क्या तुम उसे पूरा करोगे। ये सुनकर लिन लियांग को नशे में देखने लगता है। तभी लियांग लिन को पकड़ता है और यहाँ पर लियांग लिन को किस करने लगता है, और यहाँ पर लिन और लियांग का लवली किसिंग सीन दिखाते हैं। लिन और लियांग किस करते हुए डाइनिंग टेबल से लेकर सोफे तक जाते हैं।
लियांग लिन को सोफे पर पुश करता है और यहाँ पर लियांग लिन को किस करने लगता है। लिन काफ़ी नशे में होता है, वो स्माइल देता है और लियांग को किस करने लगता है। तभी लिन रुकता है और कहता है, मिस्टर लियांग प्लीज़ आप चेयरमैन को धोखा मत दीजिए। ये सुनकर लियांग लिन के लिप्स पर अपने फिंगर्स रखता है और कहता है, आज मेरा बर्थडे है तो तुम किसी और मैन के बारे में बात मत करो। ये सुनकर लिन यहाँ पर स्माइल देता है और लियांग लिन के गालों पर किस करने लगता है और तभी वहाँ लिन नशे में सो जाता है। लियांग लिन को देखता है और स्माइल देता है। फिर लियांग अपना स्वेटर उतारता है और उसे लिन को कवर करता है और लिन को देखते हुए लियांग नीचे सोफे के पास बैठ जाता है। और यहाँ पर लियांग का बर्थडे सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी लिन के साथ होता है। लिन कहता है, मैं मिस्टर लियांग पर बहुत गुस्सा हूँ कि वो चेयरमैन को धोखा देने की सोच रहे हैं, लेकिन टॉनी ऐसा कैसे कर सकता है, टॉनी ऐसे कैसे मिस्टर लियांग की टाई को ठीक कर सकता है। और इतना कहकर यहाँ पर लिन गुस्सा हो जाता है, बोवी लिन को देखता है, तभी लिन शाय फील करता है और लिन स्माइल देते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर लियांग के बर्थडे पर। इस पर बोवी कहता है, क्या? लिन कहता है, कुछ नहीं। बोवी कहता है, लिन तुम्हें बस मिस्टर लियांग को कंफर्ट करने की ज़रूरत है और तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत है, तुम अपनी बातें खुद तक रखना बंद कर दो। इस पर लिन कहता है, ओके मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो ठीक है मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना कहकर लिन वहाँ से जाने लगता है। तभी बोवी लिन को रोकता है और कहता है, रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोवी कहता है, तुम्हारे और मिस्टर लियांग के बीच का जो बेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये सुनकर यहाँ पर लिन स्माइल देता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, बेसबॉल? क्या तुम बेसबॉल की बात कर रहे हो? ये सुनकर बोवी परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं मेरा कहने का मतलब कि तुम दोनों के बीच, तुम दोनों। और यहाँ पर बोवी लिन के सामने अपने हाथों से इशारे करने लगता है और इशारे करते हुए इनडायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम दोनों इंटीमेट हुए हो। और वो इशारा देख लिन यहाँ पर समझ जाता है कि बोवी क्या पूछना चाहता है और ये देख कर लिन काफी शॉक हो जाता है। लिन चिल्लाते हुए कहता है, जॉनी ये क्या है, ये सब पूछना गलत है, ये अनफेयर है, ये सही नहीं है, तुम मुझसे ये सब कुछ पूछ भी कैसे सकते हो। और यहाँ पर लिन काफी ज्यादा शाय फील करता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी बोवी भी लिन के पीछे पीछे जाता है और कहता है, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या तुमने वो सब कुछ किया है। लिन काफी परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं। बोवी फिर से जिद करता है और कहता है, तुमने सब कुछ किया है, तुम्हारा फेस मुझे आंसर दे रहा है और तुम्हारा फेस देखकर मुझे पता चल रहा है। यहाँ पर बोवी और लिन की फनी बातों का सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन लियांग के कैबिन के बाहर खड़ा होता है। लिन लियांग से मिलने की सोचता है, वो काफी परेशान हो जाता है और फाइनली लिन लियांग से मिलने जाता है। लिन यहाँ पर डोर ओपन करता है पर डोर ओपन नहीं होता। लिन लियांग को कॉल करता है लेकिन लियांग कॉल रिसीव नहीं करता। लिन कैबिन के अंदर देखता है लेकिन लियांग वहाँ नहीं होता। फिर लिन परेशान होते हुए अपने कैबिन में वापस आ जाता है जहाँ पर बोवी परेशान होते हुए कहता है, लिन मैंने अभी भी सुना है कि मिस्टर लियांग लंबी छुट्टी पर गए हैं। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, लेकिन कैसे और कितने दिनों के लिए? और बोवी कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन ये काफी सेंसिटिव टाइम है और इस टाइम मिस्टर लियांग छुट्टी पर गए हैं और ऑफिस में सब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस सब के पीछे मिस्टर वू का हाथ है। सब कह रहे हैं कि ये सब चीजें मिस्टर वू ने की हैं और मेरे ख्याल से वो जल्दी ही नए चेयरमैन बनने वाले हैं। इस पर लिन कहता है, ये बस रूमर्स है, ये बस अफवाह है। बोवी कहता है, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा पर ऑफिस में सब कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। और यहाँ पर लिन लियांग को कॉल करने लगता है लेकिन यहाँ पर लियांग का कॉल नहीं लगता। यहाँ पर लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।